तो बच्चों यहां पर आज का जो टॉपिक है वो है एंगुलर वेलोसिटी। अब क्वेश्चंस बेस्ड है एंगुलर वेलोसिटी के, तो यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है। पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक हैज अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल एक्सेलरेशन दे रखा 10 मीटर। तो अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, तो आपसे एक बड़ी सिंपल चीज पूछ रहा है, और वो है कि रेडियस क्या है, तो उसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। ये दे रखा है इतना, ये वेलोसिटी दे रखी, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, कर दो आंसर आए। ठीक, क्वेश्चन नंबर टू। अ पार्टिकल कंप्लीट्स 4 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आंसर तो खैर ये दे रखा, करना क्या है, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकल। तो ध्यान रखिए रेडियस दे रखा है आपका कितना है, 0.25 मीटर्स, 4 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड की बात कर रहे हैं। 4 रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 4 चक्कर मारने। बेटा एक चक्कर मारने पर क्या होगा, एक चक्कर पर 2 पाई का एंगल बनेगा, तो 4 चक्कर मारने हैं 8 पाई हो जाएगा, पर सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अगर तुम्हें ए निकालना है तो ए के तो 2 फॉर्मूले होते हैं, या तो वी स्क्वायर अपॉन आर कर लो या ओमेगा स्क्वायर आर कर लो। यहां पर 8 पाई स्क्वायर इंटू 0.25, तो यहां पे तुम्हारा एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर थ्री। कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन ना एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड द एवरेज लीनियर वेलोसिटी द टिप ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड क्या होता है, सेकेंड हैंड सेकेंड बताता है। तो ये बताओ एक पूरा चक्कर मारेगा ना, तो जब वो एक नीडल एक पूरा चक्कर मारेगी कितना एंगल बनेगा भाई, भाई 2 पाई। इस केस के ओमेगा कैसे निकालना है, तो ओमेगा ऐसे हो जाएगा, ओमेगा इज थीटा अपॉन टी 2 पाई अपॉन 60 रेडियंस पर सेकेंड। आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर है। तो अगर सेंटीमीटर है तो यहां पे यूनिट सेंटीमीटर चलेगी, अगर मीटर होता तो मीटर में चलती, सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं, अब आगे हमारा क्वेश्चन ये है, कितना दे रखा है, 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इन अ सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर, लीनियर वेलोसिटी निकाली और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 रेवोल्यूशन की बात कर रहा है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 5 रेवोल्यूशन, तो 5 इंटू 2 पाई, और 10 हो गया, ओमेगा निकालना थीटा अपॉन टी 10 पाई अपॉन 1। अब बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो 6 इंटू ये है, आर की वैल्यू कितनी जरा चेक कर लो, 6 सेंटीमीटर, तो उसमें कन्वर्ट करना है मीटर में, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ये आएगा। एक्सेलरेशन निकालना है तो ये वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, स्क्वायर करो, और आर की वैल्यू 6 अपॉन 100। ठीक है, आओ चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर, स्पीड इंक्रीज कर रही इस रेट से। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्या है ना, दो दो एक्सेलरेशन निकालना है, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन, एक यूनिफॉर्म मोशन की वजह से, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की वजह से। चलो शुरू करते हैं। ठीक, तो एक हो गया ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन, है ना, ए आर की वैल्यू यही हो जाएगी 30 इंटू 30 अपॉन 9, ए टी की वैल्यू दे रखी है, ए नेट कैसे निकालोगे, अंडर रूट। क्यों भला ऐसा, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, एक टेंजेंशियल लगता है। थ्योरी पढ़ चुके हो तो आ जाएगा समझ में, स्क्वायर करना है, ऐड करना है, अंडर रूट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। अच्छा सवाल है भाई, काफी अच्छा सवाल। सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, की स्पीड ऑफ अ टिप ऑफ, स्पीड निकालना है, वी निकालना,
वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है ना। आर ओमेगा भाई टू है, टू सेंटीमीटर था, टू सेंटीमीटर, ओमेगा एक चक्कर मारेगा तो एक चक्कर में 2 पाई, टाइम कितना लगेगा 60 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर पर। वेलोसिटी निकालनी है, इसको सॉल्व करो ध्यान से देखो ना, पाई अपॉन 15 आएगा, तो इतनी वेलोसिटी हो गई इतने सेकंड पे और इतने सेकंड। ये क्वेश्चन है एक बार देख लो भाई। हाँ ये थोड़ा अजीबो गरीब है भाई, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी फ्रॉम इतने टू इतने सेकंड, भाई क्या करेंगे इतने से इतने सेकंड में। हाँ आराम से करते हैं, ये तो भाई नीडल थी, फिर ये नीडल हो गए, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी आई, यहाँ पे ऐसे, तो वी एफ माइनस वी आई करना। एक काम कर दो, क्या काम करना है जरा ध्यान दो, ये वी एफ तो वी एफ रहने दो, हाँ अरे जो वी आई है ना ये वाला वी आई, इसको पलटा दो, माइनस है ना तो वी आई इधर है, तो माइनस वी आई इधर हो गया, रिजल्टेंट निकालोगे तो इधर की तरफ, सिंपल, दो वेक्टर का रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा, तो डेल्टा भी होगा कितना, वेरी सिंपल भाई, ये और ये से सेम है तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वी रूट टू होगा, आ गया आंसर। अब एवरेज एक्सप्रेशन की बात करनी, क्वेश्चन में दे रखा था एवरेज एक्सप्रेशन, एवरेज एक्सप्रेशन, तो एवरेज एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर लगाएंगे, वी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, आर तो आपको पता ही है सेंटीमीटर पर से, हाँ ये जो ऊपर वाला आंसर आएगा ना ये भी शायद सेंटीमीटर पर सेकंड, चेक कर लो भाई। तो ये इस तरह से छोटा सा टॉपिक था, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है फिर मिलते हैं।